दोस्तों मार्फो आईडी सर्विस के ड्राइवर में जो है काफी सारे अपडेट आए हैं और काफी सारे अपडेट आने के बाद जो है यहाँ पर मार्फो आईडी सर्विस की जो पुराने वर्जन है उन्होंने काम करना बंद कर दिया है। सो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को कम्प्लीटली प्रोसेस बताने वाला हूँ कि 2023 में जो है आपको जो है मार्फो का ड्राइवर किस तरह से इंस्टॉल करना होगा अपने विंडो 10 के लिए। आप विंडो 10 यूज कर रहे हैं, विंडो 11 यूज कर रहे हैं, आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको आज के इस वीडियो में दोस्तों स्टेप बाय स्टेप कम्प्लीटली प्रोसेस मिलेगा, आप चाहे पहले से यूज कर रहे हैं उनके लिए भी और जो लोग नया इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं उनके लिए भी। तो वीडियो काफी ज्यादा नॉलेजेबल होने वाला है आप सभी के लिए, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। और हाँ, चैनल पे नए हो तो इसी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पे आपको डिजिटल इंडिया से रिलेटेड एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जिन लोगों ने भी पहले से जो है मार्फो का ड्राइवर इंस्टॉल करके रखा है, मार्फो आईडी सर्विस को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके रखा है, उन सभी को सबसे पहले जो है अपना कंट्रोल पैनल ओपन कर लेना है। कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद आपको प्रोग्राम्स एंड फीचर में चले जाना है। यहाँ से आपको जो है मार्फो आईडी सर्विस के दोनों ड्राइवर्स को जो है प्रॉपरली तरीके से अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। तो किस तरह से करेंगे चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं हमने कंट्रोल पैनल को ओपन कर लिया है। यहाँ पर आपको जो है मार्फो से रिलेटेड दो ड्राइवर देखने के लिए मिलेंगे, मार्फो स्मार्ट यूएसबी और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा मार्फो आईडी सर्विस ड्राइवर वर्जन, ठीक है ना। आपको यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आप अनइंस्टॉल करेंगे। अनइंस्टॉल करने के बाद आप जो है परमिशन को यस पे क्लिक करेंगे। परमिशन आप जो है अनफॉर्चुनेटली देख नहीं पाएंगे रिकॉर्डिंग में, तो आप परमिशन को यस करेंगे। जैसे ही आप परमिशन को यस करेंगे तो आपके सिस्टम में कुछ इस तरह का प्रोसेसिंग होने लगेगा। आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि आप जो है कम्प्लीटली रिमूव करना चाहते हैं मार्फो आईडी सर्विस ड्राइवर को, आपको यस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यस पर क्लिक करेंगे तो आपका मार्फो आईडी सर्विस का ड्राइवर अनइंस्टॉल होने लगता है। अभी यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका मार्फो आईडी सर्विस का ड्राइवर अनइंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली, ठीक है ना। उसके बाद आपको मार्फो स्मार्ट यूएसबी यहाँ पर भी राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आप अनइंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। आपसे परमिशन पूछी जाएगी, आप जो है इसको यस करेंगे। जैसे ही आप परमिशन को यस करेंगे तो यहाँ पर आपका मार्फो स्मार्ट यूएसबी ड्राइवर भी अनइंस्टॉल होने लगेगा। तो इस तरह से दोस्तों आपको जो है प्रॉपर तरीके से सबसे पहले अपने पुराने ड्राइवर को अनइंस्टॉल करना होगा, तभी आप जो है नया ड्राइवर इंस्टॉल कर पाएंगे। अब दोस्तों नए ड्राइवर के भी अलग अलग वर्जन है कि कौन सा ड्राइवर कहां पर चलेगा, लेकिन मैं आप लोगों को एक ही सेटिंग बताने वाला हूं जिसके माध्यम से आप जो है सारे ड्राइवर को चला पाएंगे। तो यहां पर आपको जो है बार बार अनइंस्टॉल एंड इंस्टॉल करने का झमेला भी नहीं रहेगा। अब इस वाली प्रोसेस को करने के बाद आपको विंडो को क्लोज करना है। विंडो को क्लोज करने के बाद अभी आपको यहां पर एक काम और करना है, आपको जाना है आपका जो भी माई कंप्यूटर या दिस पीसी है उसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर जो है सी ड्राइव को ओपन कर लेना है। यहाँ पर जो है आपको मार्फो से रिलेटेड जितने भी फोल्डर दिखाई दे आपको क्या करना है, यहाँ पर इनको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको इन फोल्डर्स को जो है डिलीट कर देना है, ठीक है ना। तो ये काम आपको प्रॉपर तरीके से करना होगा। उसके बाद आपको लास्ट में जो है आपका रिसाइकल बिन है इसको भी खाली कर देना है। अभी जो है आपका मार्फो से रिलेटेड जितना भी पुराना डाटा था वो हमने सिस्टम से क्लियर कर लिया है। अब आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको जो है मार्फो आईडी सर्विस का ऑफिशियली वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। आपको कहीं दूसरी जगह से इसको जो है डाउनलोड नहीं करना है, ये चीज का भी आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर जो है जैसे ही आप डाउनलोड वाले बटन पे जाएंगे तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह के ऑप्शंस आ जाते हैं। अभी दोस्तों काफी सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि उनको यहाँ से कौन सी सेटिंग को इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक ही सेटिंग के माध्यम से सभी तरह के काम हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पर जो है लोकल होस्ट वाली सेटिंग को करना होगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली करना क्या है, लोकल होस्ट वाली सेटिंग को जो है यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो भी आईडी सर्विस का ड्राइवर है यहाँ पर डाउनलोड होने लगता है। अभी दोस्तों इसको जो है सभी चीजों पर चलाने के लिए एक प्रॉपर सेटिंग होती है, वो सेटिंग भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में दिखाऊंगा। तो आपको किस तरह से उसको सेट करना है अपने अलग अलग डिवाइस पर, वो सारी जानकारी भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में दे दूंगा। तो वीडियो को यार छोड़ना मत, स्कीप मत करना, एंड तक देखना। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा जो आईडी सर्विस का सेटअप था यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। हम इसको यहाँ पर शो ऑल पे क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो है ओपन कर लेना है अपना डाउनलोड फोल्डर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं आपके डाउनलोड फोल्डर में यहाँ पर मार्फो आईडी का जो है सेटअप आ चुका है। अभी ये वाला जो सेटअप है जिप फाइल में है, तो आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना रहेगा। उसके लिए आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको एक्सट्रैक्ट हेयर का ऑप्शन मिलेगा अगर आप विंडो 10 यूज कर रहे हैं। तो विंडो 11 अगर आप यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर आप जो है डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इस तरह का विंडो आएगा। अगर आप जो है विंडो 10 यूज करेंगे तो आपको यहां पर ओके का ऑप्शन मिलेगा। आप एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड ओके वाले बटन पे प्रेस करेंगे तो आपकी फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। अब यहां पर आपको जो है एक अलग से फोल्डर मिल जाता है मार्फो आईडी सर्विस के ड्राइवर का, ठीक है ना। तो आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहां पर विंडो आईडी सर्विस का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस वाले फोल्डर को भी ओपन कर लेना है। तो यहां पर जो है आपको मार्फो आईडी सर्विस का सेटअप मिल जाता है लोकल होस्ट वाला, ठीक है ना। आप इसको यहां पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहां पर ऑप्शन मिलता है रन एज एडमिनिस्टर का, ठीक है ना। तो आपको यहां पर क्लिक
सेलेक्ट कर देना है। तो जैसे ही आप परमिशन को यस करेंगे तो आपके सामने जो है यहाँ पर मार्फो आईडी सर्विस का ड्राइवर इंस्टॉलेशन होने लगता है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरह का प्रोसेसिंग आपको सिस्टम में देखने के लिए मिलेगा। आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, थोड़ा सा वेट करना है। हर एक सिस्टम में जो है इसका प्रोसेस अलग अलग होता है, किसी में ज़्यादा टाइम ले लेता है, किसी किसी में बहुत ही क्विक हो जाता है। ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम पर, आपके सिस्टम के रैम के ऊपर, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे इंतज़ार करना है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे ही आपका इंस्टॉलेशन फिनिश हो जाता है तो आपको यहाँ पर आपका जो सिस्टम है उसको रीस्टार्ट करने के लिए कहा जाएगा। आपको यहाँ पर यस रीस्टार्ट वाले बटन पे क्लिक करना है एंड फिनिश पे क्लिक कर देना है। तो जैसे मैं यहाँ पे इसको रीस्टार्ट करूंगा तो हमारा जो सिस्टम है प्रॉपरली रीस्टार्ट हो जाएगा। आपको रीस्टार्ट करना ही है, 101% केसेस में आपको रीस्टार्ट करना ही है। अगर आप रीस्टार्ट नहीं करेंगे तो आपका जो डिवाइस है प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, ठीक है ना। तो आप जो है रीस्टार्ट कर लीजिए। अभी दोस्तों हमने जो है हमारे सिस्टम को प्रॉपरली रीस्टार्ट कर लिया है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, रीस्टार्ट के बाद आपको जो है आपके डिवाइस को सबसे पहले प्लग इन करना है अपने सिस्टम में। तो जैसे ही आप अपने डिवाइस को सिस्टम में प्लग इन करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको डिवाइस हैज बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली का एक पॉपअप शो होगा, ठीक है ना। जैसे कि आप देख रहे हैं, इट मींस आपकी जो डिवाइस है प्रॉपर तरीके से रजिस्टर्ड हो चुकी है, प्रॉपर तरीके से उसका ड्राइवर इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं हमने जो लोकल होस्ट वाला जो ड्राइवर इसको इंस्टॉल किया था, अभी मैं उसको आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो ड्राइवर है कौन कौन सी चीजों पर काम करता है और अगर आपको जो है दूसरी किसी चीज पर काम करना है तो आप उसको किस तरह से सेट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है माई कंप्यूटर या दिस पीसी, उसके बाद आपको चले जाना है सी ड्राइव में। यहाँ पर आपको ओपन कर लेना है मार्फो आईडी L0 सॉफ्ट, ठीक है ना। आप जो है इस वाले फोल्डर को ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको जो है कॉन्फ़िग सेटिंग का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इसको ओपन कर लेना है। अभी दोस्तों यहाँ पर हमने जो लोकल होस्ट वाली सेटिंग को इंस्टॉल किया था, ये वाला जो ड्राइवर है आपको आयुष्मान भारत में काम आएगा, फिनो पेमेंट बैंक में काम आएगा, और इसके अलावा अगर आप जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की KYC करते हैं तो उसमें ये ड्राइवर आपको काम आने वाला है। तो जिस तरह की भी ऐसी सेटिंग है वो आपको भी पता होगा, आप जिस सर्विस में काम कर रहे हैं। अब अगर आपको जो है इसको किसी दूसरी सर्विस पे चलाना है, जैसे कि आप किसी स्टूडेंट का KYC कर रहे हैं, जैसे कि आप पेन ईयर बाय चला रहे हैं, जैसे कि आप डीजी पे चला रहे हैं, तो आपको यहाँ जो है कम्युनिकेशन मोड को जो है एडिट कर देना है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कम्युनिकेशन मोड का आपको एक ऑप्शन मिलेगा, उसके सामने आपको 0 लिखा हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना। आपको 0 को एडिट करना है और 1 पे कर देना है। 1 पे करने के बाद आप फाइल पे जाएंगे और इसको यहाँ से जो है सेव कर देंगे। तो जैसे ही आप इसको यहाँ से सेव कर देंगे ना, तो ये आपकी जो सेटिंग है डीजी पे काम करेगी, पेन ईयर बाय पे काम करेगी, और जो स्टूडेंट का KYC है वो आप यहाँ पे इसके माध्यम से कर सकते हैं। अभी जो हमने सेटिंग इंस्टॉल की है, अगर आपको 0 पे रखना है तो 0 पे आयुष्मान भारत, इसके साथ आप फिनो पेमेंट बैंक में इसको यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ 0 वाले जो भी फोल्डर हैं, आप जो है जिस किसी भी चीज़ से रिलेटेड काम कर रहे हैं, आप वहाँ पर इसकी कम्युनिकेशन सेटिंग को पहले ही चेक कर लीजिए कि आपकी कम्युनिकेशन सेटिंग जो है पहले कौन सी थी, तो आप इसको वही वाली सेटिंग पे चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है ऑल इन वन सेटिंग को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने PC में या लैपटॉप में। और जब भी आप सेटिंग को चेंज करते हैं तो सेटिंग को चेंज करने के बाद आपको चले जाना है सर्च बॉक्स में। सर्च बॉक्स में जाने के बाद आपको चले जाना है सर्विसेज में। जैसे ही आप सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपके सामने इस तरह की सर्विसेज ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर आपको जो है मार्फो आईडी और मार्फो स्मार्ट USB आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे। आपको बारी बारी से यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद आप रीस्टार्ट करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर रीस्टार्ट करेंगे तो आपकी जो मशीन है प्रॉपर रीस्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों जब भी आप कॉन्फ़िग सेटिंग को चेंज करेंगे तो आपको ये वाली प्रोसेस को करना ही है, क्योंकि अगर आप इस प्रोसेस को नहीं करेंगे तो भी आपकी मार्फो डिवाइस जो है सही से नहीं वर्क करेगी। तो मार्फो को दोस्तों आप इजीली चला सकते हैं अपने सिस्टम पे, अगर आप जो है इसमें प्रॉपरली इसकी सेटिंग को जानते हैं तो। जैसे कि हमको इस सेटिंग का जो है हैबिट हो चुका है, और अगर आप भी इसको बार बार करेंगे तो आपको भी जो है किसी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी, आप जो है ये सारी सेटिंग अपने मन से ही ईजिली कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इसको कर लेते हैं तो अब आप जो है आपकी डिवाइस आपके अनुसार आप जिस किसी भी पोर्टल पर चलाना चाहेंगे उसी पोर्टल पर चलेगी। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों ये थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आई होप कि दोस्तों वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। आपकी मार्फो डिवाइस इस सेटिंग के बाद में वर्क कर रही है नहीं, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।